दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस नॉर्थ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते का वो फॉर्म तो रिन्यू करते समय तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा कि आपका जो भी अगस्त माह के अंदर जिनका भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म रिन्यू तो कराना होगा, तो उनको कौन कौन सी तो बातों का ध्यान रखना सही है, उनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, इसकी आपको मैं पूरी डिटेल से जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक तो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि बेरोजगारी भत्ते की आपको पल पल की अपडेट्स हमें पर मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो हम बात करेंगे अगस्त माह के अंदर बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म किन किन का तो रिन्यू होगा और किस प्रकार होगा और कौन सी बातों का तो ध्यान रखना सही है। तो दोस्तों, जिनका भी तो बेरोजगारी भत्ता फॉर्म भरने के बाद जिस समय आपका बेरोजगारी भत्ता अप्रूव्ड हुआ, तो वहाँ से लेकर आपका तो 12 महीने मतलब तो 1 साल तो कंप्लीट होने के बाद आपका बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म तो रिन्यू कराना होता है। तो दोस्तों, आपका अगस्त के अंदर जिनका भी बेरोजगारी भत्ता फॉर्म तो रिन्यू कराना होगा, उनको सबसे पहले तो एक ही बात का वो ध्यान रखना है कि उनको बेरोजगारी भत्ता समय पर रिन्यू कराना होगा। तो ऐसे नहीं कि लास्ट डेट का इंतज़ार करें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि जुलाई के अंदर जिनका भी बेरोजगारी भत्ता है तो उन सब 100 में से 60% या 70% का ही बेरोजगारी भत्ता तो रिन्यू तो हो पाए, क्योंकि एक तो उस समय साइड नहीं चल रही थी और दूसरी बात वे समय पर बेरोजगारी भत्ता वो रिन्यू नहीं कराया और जिस हिसाब से उसके तो उन और जिस हिसाब से उनकी लास्ट डेट वो चली गई और उनका बेरोजगारी भत्ता अभी तक वो रिन्यू तो नहीं हो पाया और उनका तो फाइनली बेरोजगारी भत्ता तो रिसेंटली यानी कि बंद होने की स्थिति में आ गया है। तो दोस्तों, आपको आपको सबसे पहले पहली बात का तो यही ध्यान रखना है कि आपका बेरोजगारी भत्ता समय पर तो रिन्यू कराना होगा। तो दोस्तों, आपको आपको मेरे हिसाब से आप तो 15 से 20 तारीख से पहले पहले आप अपना बेरोजगारी भत्ता तो रिन्यू करा दीजिए। और दूसरी बात, आपको बेरोजगारी भत्ता रिन्यू कराते समय अपने डॉक्यूमेंट तो एकदम सही तरीके से फिल करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले होता है आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, अपना तो आय प्रमाण पत्र आपको 2 लाख से कम इनकम दर्शानी होगी, उस पर जहाँ पर भी आपकी जो भी जानकारी आपसे वहाँ पर मांगी जाए आपको एकदम सही सही तरीके से वो जानकारी फिल करके आपको वो सबमिट तो करा देना है। दूसरी बात, वहाँ पर तो नोटरी भी चलेगी, आपको आय प्रमाण पत्र तो बनाते वक्त जो भी आपको 2 गजेटेड ऑफिसरों के साइन कराने, उसके बाद आपको एक जो भी तहसील या डिस्ट्रिक्ट तो नोटरी होती है वहाँ पर आपको एक नोटरी करानी होती है, और ये सब आपको फिल करने के बाद आपका बेरोजगारी भत्ता तो फिल करना होता है। ओके दोस्तों, और आपको फॉर्म से आपको बेरोजगारी भत्ते के रिन्यूअल के फॉर्म के अंदर आपको कोई भी छोटी सी भी तो मिस्टेक तो नहीं करनी, क्योंकि एक भी अगर आपकी छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका बैक आ जाएगा फॉर्म, और आपको समय पर अपना बेरोजगारी भत्ते का स्टेटस चेक करते रहना, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म तो बैक तो बहुत आते हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी छोटी सी जानकारी आपको अवगत तो कराने की, आपका बेरोजगारी भत्ता समय पर रिन्यू करा दीजिए और अपने फॉर्म के अंदर कोई भी तो गड़बड़ तो ना कीजिएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।